गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एमएल चौधरी और अपन देख रहे हैं बायोलॉजी ट्वेल्थ क्लास की। तो मैं आपको बायोलॉजी जो ट्वेल्थ क्लास की दे रहा हूँ वो बाइलिंगुअल दे रहा हूँ एक साथ, जिसमें बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये सही रहेगा। तो अपन ने जो बेसिक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन या रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, वो अपन ने कम्प्लीट किया। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, यानी पुष्पीय पादपों में अपन लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी सभी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पाया जाता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आपको पता है एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, अर्थात आवर्त बीजी भी कहा जाता है। तो आवृत बीजी यानी इनमें जो इनका सीड होता है वो आवरण से, फल वृत्ति से या फल से गिरा हुआ पाया जाता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर हैं वो अपने लिए तो एक धार्मिक, सामाजिक और आस्था का केंद्र भी हो सकते हैं, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए, एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो फ्लावर होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली स्ट्रक्चर के साथ साथ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होती है, यानी संरचनात्मक और आनुवंशिक संरचना के साथ साथ ये जनन संरचना के रूप में देखा जाता है एक बायोलॉजिस्ट के लिए। तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें उससे पहले अपन जो है फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो प्लांट हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन पाया जाता है, फ्लावर पाया जाता है, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। जो फ्लावर होता है इसकी स्ट्रक्चर अपन बात करें बेसिकली, तो जो फ्लावर जिस स्ट्रक्चर से, जिस पार्ट से, ब्रांच या स्टेम से अटैच होता है, इस स्ट्रक्चर को पेडिकल कहा जाता है। पेडिकल, जिसको हिंदी में आप पुष्प वृंत भी कह सकते हो, पुष्प वृंत भी कह सकते हो। तो जो पेडिकल है, इस पेडिकल की सहायता से जो एक फ्लावर होता है वो ब्रांच या स्टेम से अटैच होता है। इस पेडिकल का जो टिपिकल पार्ट है, या यूं कहें इस पेडिकल का जो टिप एंडिंग पार्ट है, वो फूल जाता है, सेलोन यानी फूल जाता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस फूली हुई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को थैलेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में पुष्पासन कहते हो। ये जो थैलेमस होता है, इस थैलेमस के ऊपर ही पुष्प के जो सभी चक्र हैं या होल जो होरल हैं वो अरेंज होते हैं, अराइज होते हैं। अब पुष्प के जो चार होरल होते हैं जिसमें अपन पढ़ेंगे, जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जो ये चार होरल हैं, यानी जिनको आप बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग कहते हैं, जिस पुष्प में ये चारों होरल प्रेजेंट होते हैं उस पुष्प को कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, पूर्ण पुष्प कहा जाता है। और यदि किसी पुष्प में इन चारों होरलों में से कोई एक होरल, एक चक्र अनुपस्थित है तो उस पुष्प को अनकंप्लीट, अपूर्ण पुष्प उसको कहा जाता है। जैसे बात करें, किसी पुष्प में अगर एंड्रोसियम यानी पुंकेसर एब्सेंट है तो उसको फीमेल फ्लावर कहा जाएगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? गाइनोसियम प्रेजेंट है। इसी प्रकार यदि फ्लावर के अंदर गाइनोसियम एब्सेंट है तो उसको मेल फ्लावर कहा जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एंड्रोसियम प्रेजेंट है। तो इस प्रकार इन चार होरल्स में से अगर कोई सा होरल, कोई सा चक्र अनुपस्थित होता है तो उसको अपूर्ण पुष्प कहा जाता है, और यदि उपस्थित होता है तो उसको पूर्ण पुष्प कहा जाता है। और एक पूर्ण पुष्प जो होता है, कंप्लीट जो पुष्प होता है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी द्विलिंगी पुष्प होता है। तो अपने सामने जो ये स्ट्रक्चर है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की है, द्विलिंगी पुष्प की है, जिसमें चारों होरल प्रेजेंट हैं। आप देखिए, थैलेमस जो है पुष्पासन है, इसके ऊपर जो चारों होरल डेवलप होते हैं उनमें जो आउटरमोस्ट होरल होता है, ये आउटरमोस्ट होरल जो है वो कहलाता है कैलिक्स।
क्या कहलाता है? कैलिक्स, जिसको आप बाह्य दल पुंज भी कहते हो। क्या? बाह्य दल पुंज। ये जो बाह्य दल पुंज है, कैलिक्स है, ये एक फ्लोर का आउटर मोस्ट होरल होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है। और ये जो बाह्य दल पुंज होता है, कैलिक्स होता है, इसकी यूनिट को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी यूनिट जो है वो सेपल कहलाती है, जिसको हिंदी में बाह्य दल भी कहा जाता है। क्या? जिसको हिंदी में बाह्य दल भी कहा जाता है। तो जो सेपल है, ये लीप लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी लीप के समान संरचना होती है। और नंबर ऑफ जो सेपल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं, यानी नंबर ऑफ द फ्लावर जो है वो डिपेंड करता है प्लांट की स्पीसीज के ऊपर। यानी अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनमें नंबर ऑफ सेपल्स यानी जो बाह्य दल हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। और ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, सेपल है, ये फ्लावर की बड कंडीशन में, यानी पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है, पुष्प जब खिलता नहीं है, क्लोज रहता है, उस परिस्थिति में जो फ्लावर है उसका प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा का काम करता है। तो इस प्रकार सबसे जो आउटर मोस्ट होरल होता है वो कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज कहलाता है, और इसकी यूनिट इकाई सेपल यानी बाह्य दल कहलाती है। और ये जो है पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा का कार्य करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। और आपको ये बताया कि जो सेपल है, बाह्य दल है, इसकी संख्या अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पाई जाती है। फिर सेकेंड नंबर पर बात आती है इनर मोस्ट होरल होगा, सॉरी इनर मोस्ट का है, यानी इनर होरल जो है कैलिक्स के इनर पार्ट में पाया जाता है, अंदर की तरफ पाया जाता है कैलिक्स के या बाह्य दल के, इसको कहा जाता है कोरोला। कोरोला जिसको आप दलपुंज भी कहते हो, दलपुंज। जो कोरोला है, दलपुंज है, ये कलर्ड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हिंदी में दलपुंज या पंखुड़ियों भी कहा जाता है। और जो कोरोला है, दलपुंज है, इनकी संख्या भी अलग अलग पादपों में अलग अलग पाई जाती है। इसकी यूनिट को, इसकी यूनिट को कोरोला की को, यानी इसकी इकाई को जो है दल कहा जाता है, जिसको आप पेटल कहते हो, पेटल या दल इसको कहा जाता है, इसकी इकाई को। अब ये जो पेटल है, दल है, ये कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, ये इनके अंदर जो नेक्टर ग्लैंड यानी मकरंद ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं, और ये फ्रेग्रेंट से रिच होता है, यानी गंध से युक्त होता है। तो इसका कलरफुल होना, नेक्टर से रिच होना, फ्रेग्रेंट से रिच होना, ये अडेप्टेशन है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कीट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है पाए जाते हैं ऐसा, जिससे कि पोलिनेशन के लिए कीट इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और वो पोलिनेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार जो आउटर मोस्ट होरल हैं कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों आउटर मोस्ट जो होरल हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये पुष्प के असेसरी साइकिल कहलाते हैं, असेसरी होरल कहलाते हैं, यानी इनको सहायक चक्र कहा जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करके रिप्रोडक्शन में सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए इनको सहायक जनन चक्र, असेसरी रिप्रोडक्टिव होरल इनको कहा जाता है। फिर थर्ड नंबर पर चलते हैं कि कोरोला जो है उसके इनर साइड में जो होरल पाया जाता है उसको एंड्रोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में आप पुमंग कहते हो। ये थर्ड इनर साइड का होरल होता है, और जो एंड्रोसियम है, पुमंग है, ये एक फ्लावर का जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नर जननांग होता है। और जो एंड्रोसियम है, इसकी यूनिट, इसकी जो इकाई है वो स्टामिन कहलाती है, स्टामिन यानी पुंकेसर, स्टामिन पुंकेसर कहलाती है। और जो स्टामिन है, आपको बताया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, ये स्टामिन मिलकर के एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं।
एक जो स्टामिन होता है, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये एक स्टामिन की स्ट्रक्चर है। इस स्टामिन के अंदर आप देख रहे हो कि एक फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको फिलामेंट कहा जाता है। आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है? फिलामेंट, जिसको हिंदी में पुतंतु भी कहा जाता है, या तंतु भी आप कह सकते हो, तंतु या पुतंतु आप इसको कह सकते हो। तो ये एक ट्यूब लाइक नलिका नुमा संरचना पाई जाती है, और इसका जो प्रोक्सीमल एंड होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। इसका जो टिप पार्ट है ये कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है? एंथर, जिसको आप पराग कोष कहते हो। पराग कोष, ये पराग कोष भी कहलाता है। और जो एंथर है, पराग कोष है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब्ड, यानी द्विपालित संरचना होती है। और ये जो द्विपालित संरचना होती है, इसमें लॉन्गिट्यूजनली टू लॉब्स पाई जाती हैं, यानी लॉन्गिट्यूजनली, यानी आप यूं कह सकते हो कि लंबवत इसके अंदर दो पालियां पाई जाती है। और ईच पाली हैव टू थीका, यानी प्रत्येक पाली दो जो है वो आप यूं कह सकते हो कि कोष्ठ या चैम्बर रखती है। तो इस प्रकार जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो एंथर होता है, परागकोष होता है, वो बाइलोब्ड एंड बाइथीका, यानी द्विपालित और द्विकोष्ठ की जो है संरचना कहलाती है। ये जो एंथर है, इसके अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, उसके अंदर पराग कण, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब नंबर ऑफ द जो स्टामिन है, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पाए जाते हैं। बात करते हैं इनर मोस्ट होरल, यानी जो फोर्थ जो होरल है उसकी अपन बात करते हैं, और वो होता है गाइनोसियम। देखो, अपन ने फर्स्ट पढ़ा कैलिक्स, सेकंड पढ़ा कोरोला, थर्ड होरल पढ़ा एंड्रोसियम, और बात कर रहे हैं फोर्थ की, तो ये होता है गाइनोसियम। ये जो गाइनोसियम है, इसको अपन जायांग भी कहते हैं। जो गाइनोसियम है इसको अपन जायांग भी कहते हैं। तो ये जो गाइनोसियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इनर मोस्ट होरल होता है, यानी मादा जनन अंग होता है, और एक फ्लोर का सबसे भीतरी जो पार्ट होता है, एक कंप्लीट फ्लोर में ये चारों होरल पाए जाते हैं। और जो गाइनोसियम है, इसकी यूनिट, इसकी इकाई को जो है वो कार्पल या पिस्टल कहा जाता है। इसकी यूनिट या इकाई को कार्पल या पिस्टल कहा जाता है, यानी कि इसको हिंदी में आप अंडप कह सकते हो। तो इस प्रकार ये जो अंडप हैं, इनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ द कार्पल जो है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पाई जाती है। और एक पिस्टल या एक जो कार्पल है, एक जो अंडप है, वो थ्री स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है। इसका जो बेसल पार्ट होता है वो सलोन, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, ओवेरी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवेरी कहलाता है। ये जो ओवेरी है, इसके अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल, जिसको आप विजांड भी कहते हो। ये जो ओवेरी है, इसके अंदर ही ओव्यूल पाए जाते हैं, और जिनके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इस ओवेरी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसको स्टाइल कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। और ये वर्तिका जो है, इसका टिप पार्ट जो है एक बोवल शेप, यानी प्याले नुमा स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट होता है। इस प्याले नुमा स्ट्रक्चर के रूप में जो ये कन्वर्ट है, इस स्ट्रक्चर को जो है स्टिग्मा, हिंदी में वर्तिकाग्र इसको कहा जाता है। वर्तिकाग्र इसको कहा जाता है। ये स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र है, वो पार्ट है जहां पर पोलन ग्रेन आकर के गिरते हैं, यानी ये पोलन ग्रेन्स को जो है ट्रेप करता है, रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स को अडेप्ट करता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन पोलिनेशन के द्वारा आकर के गिरते हैं। तो इस प्रकार ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पिस्टल या यू के एक का जो कार्पल है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो इनर मोस्ट टू होरल, एंड्रोसियम एंड
गाइनोसियम यानी पुमंग और जो जायांग है ये इनर मोस्ट जो टू होरल है ये पुष्प के असेंशनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं यानी आवश्यक जनन अंग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेंट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि जो एंड्रोसियम है पुमंग है इसकी जो यूनिट अपन ने देखी स्टामिन यानी पुंकेसर जिसके अंदर पराग कणों का पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो गाइनोसियम है जिसको जायांग कहते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो कार्पल या पिस्टिल कहलाती है जिसको हिंदी के अंदर अंडप कहा जाता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है जिसके अंदर आपको पता है फीमेल गैमिट बनता है। तो इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट करते हैं, इसलिए जो इनर मोस्ट टू होरल हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम इनको जो है असेंशनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है यानी आवश्यक जनन अंग इनको कहा जाता है, आवश्यक जनन चक्र इनको कहा जाता है। इस प्रकार एक जो फ्लोरिंग प्लांट होता है इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लोवर होता है उसकी स्ट्रक्चर आपने देखी जिसमें ये चारों ऑर्गन पाए जाते हैं। तो अब अपन इस फ्लावर में जो पिछले चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अपन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स हैं जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेंट करते हैं? तो देखिए प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होती है उसमें आपने दो चीज पढ़ी थी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस है यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन, युग्मकों का जो निर्माण है। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया मेल जो गैमेट है पोलन ग्रेन उसका फॉर्मेशन एंथर के अंदर होता है, तो इट मीन्स अपन इससे रिलेटेड ऑर्गन की बात करेंगे तो डिटेल जो स्ट्रक्चर है एक स्टामिन की डिटेल स्ट्रक्चर, एंथर की डिटेल स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल जो गैमिट है उसकी बात करें तो फीमेल गैमिट जो एग होता है उसका फॉर्मेशन ओवेरी के अंदर प्रेजेंट जो ओव्यूल है उसके अंदर होगा, तो अपने को ओवेरी और ओव्यूल दोनों की स्ट्रक्चर देखनी होगी। तो इस प्रकार इसके पश्चात होगा गैमिट का ट्रांसफर। तो देखिए एंथर में जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पर जिसको पोलिनेशन कहा जाता है, गैमेट ट्रांसफर कहा जाता है। तो इस प्रकार प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अपन देख रहे हैं दो बात आ रही है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, वो दो बात क्या आ रही है कि स्टामिन जो है उसकी स्ट्रक्चर डिटेल आ रही है क्योंकि इसके अंदर मेल जो गैमेट बन रहा है, और पिस्टल की स्ट्रक्चर आ रही है, ओवेरी और ओव्यूल की स्ट्रक्चर आ रही है जिनके अंदर फीमेल गैमेट बनता है और फिर ट्रांसफर होता है। तो यानी इन ऑर्गन की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसके पश्चात ये प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, देन जो फर्टिलाइजेशन है और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। इस प्रकार फ्लावर्स के अंदर जो कंप्लीट प्रोसेस पाई जाती है। तो इस वीडियो में अपन ने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी, अगले वाले वीडियो में अपन जो प्री फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑर्गन है उनकी डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।